हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर, आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी बाई स्कूटा में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 11th क्लास के लिए बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों का टर्म 1 की परीक्षा फिलहाल समाप्त हो गई है और साथ ही आपको टर्म 2 की परीक्षा के लिए डेट भी घोषित हो गया है। अर्थात आप लोग को 16 जून से टर्म 2 की परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, तो इससे पहले हम लोग टर्म 2 की परीक्षा की तैयारी के लिए सिलेबस जानना अति आवश्यक है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए सिलेबस लाया हूं। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 11th क्लास का टर्म 2 की परीक्षा के लिए इंग्लिश इलेक्टिव का सिलेबस लेकर आया हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आपका पहला सिलेबस में चैप्टर है पेमचिंक्स मॉथ, इसके बाद है ग्लोरी एट ट्यूलाइट, इसके बाद है द लैंचोन, इसके बाद है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, इसके बाद है मदर टैंग, इसके बाद है हवर्क रोस्टिंग, इसके बाद है फीलिंग ऑफ द बेनियन ट्री, इसके बाद आपका चैप्टर है, यहाँ देखिए, यह आपका चैप्टर है अजमील एंड द टाइगर्स, इसके बाद आपका चैप्टर है व्हाट इज ए गुड बुक, इसके बाद आपका चैप्टर है ब्रिगेज, इसके बाद आपका चैप्टर है द वर्ल्ड मैन एंड द सेन, इसके बाद है अन पैसेज एंड पोएम, इसके बाद है कंपोजिशन रिपोर्ट। इस तरह से आप लोग का इंग्लिश इलेक्टिव का ये सब आपका सिलेबस है। आप लोग को इस सिलेबस को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना सिलेबस को आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस सिलेबस को आप अपने नोटबुक में लिख लें और इसी के माध्यम से आप टर्म 2 की तैयारी करें, क्योंकि आपका जो रिटेन का एग्जाम होने वाला है, इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, अर्थात आपको 19 क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से आपको 15 क्वेश्चन को सोल्व करना है, अर्थात उसका उत्तर पुस्तिका में उत्तर को लिखना है। दोस्तों, तो इसी तरह से अपडेट जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों।